फनल अरेंजमेंट। तो फनल अरेंजमेंट का जो दो मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला था, एक ये था कि HCl गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, एंड दूसरा क्या था यहाँ पे कि HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, जिसका नाम रखे थे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे फाउंटेन जैसा जैसे फुहारा निकलता है, स्प्रिंकल होता है, वैसे यहाँ पे भी हुआ था। तो क्या हुआ था, चलो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, सब अच्छा ध्यान से देखना। क्लोराइड गैस, देखो क्या बोला यहाँ पे कि है ना, ड्राई हाइड्रोजन बॉटम फ्लास्क यहाँ पे क्या बता रहा है, द फ्लास्क एक्सट्रैक्ट द स्टॉपर विद टू होल्स। यहाँ पे क्या किया, एक बॉटल ले लिया और इसमें दो छेद कर दिया, ठीक है। हेलो, खाली बॉटल नहीं है, इसमें गैस भरा। हाँ कोई, हाँ बोल। हाँ जून्स फोन की थी, सामवी कुछ बोल रही है। चल सामवी ध्यान दे अब। Through one hole, pass a long jet tube such that the jet tube is close to the base of the plant. ये एकदम सटा हुआ बताए थे, to prevent leakage of gas. Gas को क्या हो, लीकेज से बचाने के लिए एकदम लोग दिखा देते हैं। क्या बुलाते हैं इसको, जेट ट्यूब बुलाते हैं। Through the other hole, pass a dropper half filled with water. एक ड्रॉपर है जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये चीज हम लोग बात किए थे, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, जस्ट उल्टा था। रुको इसको भी उल्टा करेंगे हम लोग। लैम्प द फ्लास्क इन एन आयरन स्टैंड, ठीक है। अब देखो कर दिया वैसा, सेम अरेंजमेंट आ गया तुम्हारे बुक में। अब देख इसमें क्या ले आया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तुम लोग को हम बताए थे अलग अलग नेचुरल इंडिकेटर्स होता है तुम्हारा, क्या क्या, फेनोक्सिलीन था, मिथाइल ऑरेंज था, लिटमस था। तो लिटमस ब्लू जो है किसमें चेंज हो जाता है, एसिड के प्रेजेंस में रेड कलर में भैया चेंज हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अंडर द जेट ट्यूब, प्रेस द बल्ब ऑफ द ड्रॉपर, इट इज सीन दैट द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन rises up in the jet tube and issues out of the nozzle with great force. ठीक है, तो देखा तुम लोगों को कि जब जब हम लोग रबर बैंड दबाए यहाँ पे हुआ क्या, तो तुमको हम उस दिन बोले थे अपने बुक में ये चीज लिख भी लो कि इसमें क्या हो जाता है भैया, पार्शियल वैकम क्रिएट हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, पार्शियल वैकम का कारण क्या था कि इसमें जो ड्राई HCl गैस था जो सूखा हुआ था, पानी के कॉन्टेक्ट में आते उसमें क्या हो गया, घुल गया। ये HCl गैस इस पानी में क्या हो गया, घुल गया भैया। तो यहाँ पे पार्शियल वैकम हो गया, दैट इज कैसा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया। यहाँ का प्रेशर लो है और बीकर का प्रेशर क्या है, हाई है। तो भैया ग्रेजुअली जो पानी मूव करेगा, लिटमस सॉल्यूशन जो मूव करेगा, वो हाई प्रेशर टू कहाँ जाएगा, लो प्रेशर। और जैसे वो HCl के कॉन्टेक्ट में आया ये ब्लू लिटमस, वो किस कलर में चेंज हो गया भैया, वो रेड कलर में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि एसिड है HCl जो है वो क्या है, एसिड है। तो इससे ये पता चलता है कि HCl इज एसिडिक इन नेचर, एंड यहाँ पे भैया क्या हुआ, ये जो घुला यहाँ से ये पता चला कि वो सोल्यूबल है, वो भी कैसा, हाईली सोल्यूबल गैस है। तो ये चीज ध्यान रखना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, HCl गैस से HCl लिक्विड बनाना, ठीक है। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे HCl गैस से हम लोग HCl लिक्विड बना सकते हैं, HCl एसिड बना सकते हैं। दो बात है यहाँ पे, एक चीज सुनना, एक होता है प्रोसेस लिक्विफिकेशन, लिक्विफैक्शन बोलते हैं। लिक्विफैक्शन में क्या होता है, कोई भी लिक्विड को अंदर अगर गैस को अंदर हाई प्रेशर दबाया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो वो किस में चेंज हो जाता है भैया, वो गैस में, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। जो हम लोग के सिलेंडर्स होता है एलपीजी सिलेंडर, उसको जैसे दबाते बहुत कस के गैस बाहर निकलता है। तो सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमको क्या करना है, HCl गैस को, ठीक है, यहाँ पे अलग चीज हो रहा है, यहाँ पे हम गैस को दबा नहीं रहे, गैस ही पानी में हाईली सॉल्युबल है, गैस पानी में क्या है, हाईली सॉल्युबल है। तो देखना जरा सा यहाँ पे क्या होता है। तो चलो मेरे साथ देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट और समझो इसको जरा सा क्या है यहाँ पे। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले थे बैक सक्शन, तो पहले हम बैक सक्शन के बारे में तुम लोग को पूरा अच्छे से बताते, उसके बाद अगर वीडियो मिलेगा तो तुम लोग को उसको भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे है बैक सक्शन, ये रहा, स्टार्ट करते हैं। तो भैया आप जो HCl लास्ट क्लास में हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन यूज किए थे, कौन बच्चा को बता सकता है उसका रिएक्शन, कि क्या होता है रिएक्शन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl का, कोई बच्चा जल्दी, अब तो तुम लोग पेज पलटा के देख लोगे, कोई भी नहीं इतना बच्चा में,
रॉक सॉल्ट लिए थे और क्या लिए थे, नाइट्रिक एसिड लिए थे कि सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे, सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे। कौन बच्चा इसका आंसर दे सकता है? नाइट्रिक एसिड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लेते हैं? बेवनेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके भैया, क्योंकि वो वोलेटाइल होता है। बीइंग वोलेटाइल, वोलेटाइज इटसेल्फ, इट विल डिस्प्लेसेस, क्या करेगा, HCl को वही डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है तुम लोग, खुद वोलेटाइल होके दूसरे को वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल होने के कारण उसको क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, और कौन सा गैस निकलता है, HCl गैस। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना तुम लोग। अब यहाँ पे भैया आप देखिए, जो लास्ट अरेंजमेंट है एक बार देखना, ये उसी का कंटिन्यूटी है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे हम लोग, यहाँ पे देख, ये वाला जो डिलीवरी ट्यूब था, इसको हम यहाँ से ऐसे करके क्या कर देते हैं, ये वाला पार्ट इसको हम काट के इधर पे जोड़ देते हैं सीधा सीधा। या ये देखो, ये जो डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे डला हुआ है, यहीं पे हम क्या चीज में डाल देते हैं इसको, पानी में। क्या चीज में डाल देते हैं, पानी में। तुम लोग देखो जरा सा, देख सेम, हम लोग वहां पे पड़े थे पानी में, इसको नहीं कलेक्ट कर सकते बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो वही चीज दिखा रहा है, अगर यहाँ पानी में हम लोग डालते तो क्या होता, तो भैया फिर से यहाँ पे जो HCl गैस होता वो पानी में क्या हो जाता, घुल जाता। तो इसके अंदर का ट्यूब के अंदर का प्रेशर लो होता और बाहर का प्रेशर क्या होता, हाई। तो पानी इसमें बहुत कस के ऊपर चढ़ता, पानी इसमें बहुत कस के क्या होता, ऊपर चढ़ता, इतना ज्यादा फोर्स से ऊपर चढ़ता कि ये ग्लास एपरेटस क्या हो जाता, टूट जाता। तो इस ग्लास एपरेटस को टूटने से बचाने के लिए हम लोग एक स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, जिसको बुलाते हैं स्पेशल फनल अरेंजमेंट, जो तुम्हारे सामने है। इसका सबसे पहला चीज है, कारण क्या है, तुम आप लोग ये देखिए कि भैया इसका एरिया इतना सा था और इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा एरिया से क्या फायदा हुआ, ज्यादा से ज्यादा गैस को क्या कर सकेंगे, या पानी को क्या कर सकेंगे, एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो पहला चीज यहाँ पे लिखता है, व्हाट इज बैक सक्शन। ये क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में और एग्जाम में भी आता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस इन वाटर यूजिंग ए डिलीवरी ट्यूब कॉजेज बैक सक्शन। तो पहले बैक सक्शन का कारण क्या, वो बताया कि HCl गैस को डायरेक्टली पानी में मिला दिया, तो जिसके कारण पानी में वो हाईली सोल्यूबल होने के कारण वो पानी में घुल गया। अब पानी में घुलने के कारण वहां पे प्रेशर डिफरेंस हुआ, जिसमें पानी क्या होने लग गया, ऊपर चढ़ने लग गया। तो ये जो ऊपर चढ़ने को ही हम लोग क्या बुला रहे हैं, बैक सक्शन बुला रहे हैं। हाइड्रोजन गैस इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर, इसका कारण बताया, इफ ए डिलीवरी ट्यूब Truth with HCl gas is passed directly immersed in water, the rate of absorption of HCl gas is high and hence a partial vacuum is created in the tube. तो वही चीज हुआ जो पीछे हुआ था, यहाँ पे भैया क्या हो गया, partial vacuum हो गया। क्यों? क्योंकि गैस तो जितना था इस ट्यूब के अंदर सारा पानी में घुल गया। इसका मतलब partial vacuum का मतलब low pressure, partial vacuum का मतलब क्या हो गया, low pressure। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, the pressure outside being higher, बाहर का प्रेशर बाहर ज्यादा होने के कारण causes the water to be pushed up into delivery tube. तो भैया यहाँ का प्रेशर क्या है, मत करो तुम लोग ये सब, बाहर का प्रेशर हाई है और अंदर का प्रेशर क्या है, लो। तो ये इसके ऊपर चढ़ेगा, ये यहाँ पे क्या होगा, चढ़ेगा, जिसके कारण से यहाँ पे ध्यान देना, ये ऊपर चढ़ने लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, the pressure outside being higher causes the water to be pushed up in the delivery tube and damages the tank. और ये इतना कस के चढ़ता है कि ये क्या हो जाएगा, कांच का ग्लास फट भी सकता है। तो इसी को यहाँ पे बता रहा है, ये जो ऊपर चढ़ रहा है, फिर बोल रहे हैं इसी को क्या बुला रहा है, बैक सक्शन। पहला क्वेश्चन हो, व्हाट इज बैक सक्शन, हम तुमको बताए ड्यू टू, ये जो भी कर रहा है मत करो, ड्यू टू यहाँ पे ये बता रहे, बैक सक्शन किसके कारण हुआ, ड्यू टू हाई सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl इन वाटर, गैस जो होता है वो क्या हो जाएगा वहां पे, पहले पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा ट्यूब में, जिसके कारण पानी चढ़ने लगेगा और ये इतना कस के चढ़ेगा, यही पानी का अपवर्ड अपोजिट मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं, बैक सक्शन बुला रहे हैं। तो दो पॉइंट जो जरूरी है, पहला तो HCl इज हाईली सोल्यूबल, दूसरा चीज पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है जिसके कारण से ये गैस ऊपर चढ़ता है। अब यहाँ पे देखो पानी ऊपर चढ़ता है, फनल अरेंजमेंट क्या करता है देख लो सा बच्चा, यहाँ पे जब हम फनल अरेंजमेंट लिए तो देखो होगा क्या, यहाँ पे जब यहाँ पे पानी चढ़ेगा, ठीक है, तुम लोग एक चीज ध्यान दिए होगे, हम लोग का जो पानी का टंकी का पाइप होता है, एक होता है जो ऊपर ले जा रहा है, एक होता है जो टंकी से नीचे आ रहा है नल में। तो जो ऊपर ले जा रहा है वो बहुत ज्यादा पतला पाइप रहता है, मोटा पाइप नहीं रहता है। कि सोच लोगे कि पतला पाइप मोटा पाइप लगा लेंगे भैया ज्यादा पानी खींच लेंगे, ऐसा नहीं होगा, पानी नहीं चढ़ेगा। जितना ज्यादा नैरोअर द डायमीटर होता है, ये तुमको हम फिजिक्स उसमें बायोलॉजी में भी बताए थे, ट्रांसपिरेशन पूल जो कोकोनट सब होता है, जितना पतला स्टेम होगा, जितना नैरोअर द डायमीटर होगा, पानी उतना ऊपर चढ़ता है, पानी उतना क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए पाइप को पतला रखते हैं। तो भैया यहाँ पे पानी इसमें ज्यादा चढ़ता, लेकिन मोटा कर देने से इसमें पानी क्या होगा, कम चढ़ेगा। तो इसीलिए हम फनल अरेंजमेंट किए, फनल में तुम देखो इसका एरिया और बढ़ गया, एरिया और क्या हो गया, बढ़ गया। इसका एरिया छोटा है तो इसका एरिया बड़ा है,
तो बड़ा एरिया होने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पे ऐसा नहीं है पानी नहीं चढ़ेगा, पानी चढ़ेगा, देखो यहाँ पे पानी चढ़ा भी है, इसमें फनल में पानी चढ़ा भी है, तुम देख सकते हो। लेकिन क्या होगा, पानी जैसे ऊपर चढ़ेगा ग्रेविटी के कारण पानी वापिस से नीचे गिर जाएगा। ये ऐसा होता रहेगा, पानी ऊपर चढ़ते रहेगा, नीचे गिरते रहेगा, पानी ऊपर चढ़ते रहेगा, गिरते रहेगा, कब तक, जब तक पूरा का पूरा ये जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड ना हो जाए। क्या चीज से सैचुरेटेड नहीं हो जाए, HCl से। जब तक ये पूरा सॉल्यूशन क्या चीज में चेंज नहीं हो जाए, HCl लिक्विड में चेंज नहीं हो जाए, तब तक ऐसा होते रहेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा, गिरेगा, चढ़ेगा, गिरेगा। ठीक है, तो यही चीज में अब तुम देखो, जो ये ड्राई HCl गैस था वो किसमें चेंज हो गया, वो आपका HCl लिक्विड में चेंज हो गया, इसी को HCl एसिड भी बुला सकते हैं। अब ये जो पानी बन गया ये पानी नहीं रहा, इसमें पानी घुल, HCl घुल चुका है, ये HCl एसिड चेंज हो चुका है। तो देखो क्या लिखा है, द फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड फॉर अवॉइडिंग बैक सक्शन, ठीक है, प्रिवेंट और मिनिमाइजेस द बैक सक्शन ऑफ वाटर, सीधा सा बात है, ग्लास अपरेटस टूटने से बचाया, प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस, इससे ज्यादा से ज्यादा HCl गैस क्या हो सकेगा, एब्जॉर्ब हो सकेगा। ठीक है, द रीम ऑफ द, अब देखो इसको कैसे प्लेस करेंगे, इसका जो रीम है ये एकदम पानी से टच करना चाहिए, पानी से एकदम क्या करना चाहिए, टच, ना डूबा रहना चाहिए ना नीचे रहना चाहिए, दोनों गलत है, पानी से बस क्या होना चाहिए, टच किया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, द रीम ऑफ द फनल इज प्लेस सो दैट इट जस्ट टचेस द ट्रफ कंटेनिंग वाटर, बैक सक्शन अकर्स द वाटर राइजेस ऑफ द फनल। ठीक है भैया, बैक सक्शन होगा तो तुम लोग देख सकता है फनल में पानी ऊपर चढ़ेगा, फनल में पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, एंड द लेवल आउटसाइड द फनल फॉल्स क्रिएटिंग द एयर गैप। अब देखो यहाँ पे ऊपर उसको खींचने वाला कोई नहीं है, ऊपर अगर पकड़ने वाला कोई नहीं है तो ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज कहाँ खींचा जाएगा, नीचे चला जाएगा, ग्रेविटी के कारण ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर से कोई पकड़ने वाला नहीं है। तुम देखो ये नीचे से, यहाँ दिख रहा होगा तुमको ये जो एरो दिखाया, नीचे से इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है या ऊपर से इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो ग्रेविटी के कारण ये कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिर जाएगा, ये कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो लिखता है यहाँ पे कि बैक सक्शन अकर द वाटर राइजेस ऑफ द फनल एंड द लेवल आउटसाइड द फनल फॉल्स क्रिएटिंग एन एयर गैप। अब देखो इसके बीच में क्या हो गया, एयर गैप हो गया, तुमको दिख रहा होगा एरो दिखाया है, द प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड इक्वलाइजेस द वाटर व्हिच हैज राइजन अप इन द फनल फॉल्स डाउन अगेन, वो जब प्रेशर बराबर हो जाता है पानी गिर जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये देखो ये कब तक होते रहेगा ऐसा, यही चीज बोले, जब तक पूरा का पूरा पानी क्या नहीं हो जाए, सैचुरेटेड नहीं हो जाए, पूरा का पानी, पूरा पानी क्या नहीं हो जाए, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड जरूरी नहीं है चीनी से भी हो, गैस से भी हो सकता है, हमेशा नहीं है सॉलिड से ही सैचुरेटेड हो। भैया चीनी डालते गए पानी में एक समय आया और चीनी नहीं घुल सकता, तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, सैचुरेटेड बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज था, तो यहाँ पे यही लिख रहा है, विथ हाइड्रोजन क्लोराइड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तुम लोग देखो जो HCl गैस था वो किसमें चेंज हो गया, HCl एसिड में चेंज हो गया, या लिक्विड जो बुलाना बुला सकते हो। तो फनल अरेंजमेंट से क्या होता है, यही चीज होता है कि भैया फनल अरेंजमेंट से हम लोग क्या किए, HCl गैस को किसमें चेंज कर दिए, HCl लिक्विड में चेंज कर दिए। तो इस चीज को सब बच्चा ध्यान रखना, तो और इसमें कुछ नहीं बताया, बस इसमें इतना सा ही बात बता रहा है। तो तुमको इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट इज बैक सक्शन, ये नोट कर लो तुम लोग, एंड व्हाट इज फनल अरेंजमेंट। ठीक है, फनल अरेंजमेंट क्या चीज को प्रिवेंट करता है, ये दोनों पॉइंट लिख देना, एक प्रिवेंट करता है मिनिमाइज बैक सक्शन ऑफ वाटर, और दूसरा क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस, खत्म। और ये कब तक होगा, जब तक पूरा का पूरा पानी जो है वो सैचुरेट नहीं हो जाए, ये तब तक होते रहेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा HCl गैस से ना भर जाए, तब तक ये क्या होते रहेगा, ऐसा प्रोसेस ऊपर नीचे होते रहेगा, मतलब पानी गैस चढ़ेगा, पानी चढ़ेगा गैस में मिलेगा और फिर वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो यही था फनल अरेंजमेंट। अब हम देखते हैं, अगर वो वीडियो में होगा तो तुम लोग देखना जरूर से, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ मूव करेंगे। दूसरा वीडियो देखो, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे है, तो ध्यान देना। Hydrochloric acid is prepared by dissolving hydrogen chloride gas in water. To prevent suction of water backwards, a funnel is attached to the end of the delivery tube and the funnel is made to touch the surface of water in the beaker as shown. The large cross section of the funnel. यहाँ बस इतना सही दिखाया, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, जो वीडियो बनाया उसी में आ रहा है। यहाँ पे जो तुमको यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहा है बीकर, ठीक है, बीकर पानी से एकदम सटा हुआ है, ऐसे बीकर पानी से ऐसे एकदम क्या है, सटा हुआ। अब भैया यहाँ पे ये क्या हो रहा है, गैस यहाँ से निकल रहा है, गैस यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है।
गैस जो निकल रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी में तो गैस मिल जाएगा भैया, ट्यूब में लो प्रेशर हो जाएगा और बीकर में क्या हो जाएगा हाई, तो ये ऊपर चढ़ेगा, ये ऊपर क्या होगा चढ़ेगा, लेकिन फिर है वही एयर गैप क्रिएट हो जाएगा, एयर गैप के कारण सारा पानी वापिस से क्या हो जाएगा नीचे गिर जाएगा, और यहाँ पे जो बन जाएगा वो SCL क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताया है और कुछ नहीं बताया है। तुमको इस एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है व्हाट इज बैक सक्शन एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट बैक सक्शन, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर तुमको हम जवाब दे दिए हैं, तुम लोग अपने अपने बुक में देख सकते हो। अब चलो बुक में आते वापिस से, बुक में क्या बताया है दूसरा चीज जो आने वाला एग्जाम में, वो है एजिट्रोप का डेफिनेशन, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है, कॉन्साइज बुक में तुम लोग को भी दिया है और यहाँ पे एक और इसका नाम दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को हम लोग क्या बुलाते हैं, एजिट्रोप। लिख लेना तो जरा सा तुम लोग भैया, व्हाट इज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तो ये आया हुआ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इसमें भी आएगा, बाद बाकी दो चैप्टर और है उसमें भी आएगा। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं भैया, कलरलेस होता है, पंजेंट ऑर्डर का होता है, कोरोजिव होता है, व्हाट इज कोरोजिव इन नेचर एंड फिजियोलॉजिकल नेचर, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी पे हमारे इंसान पे कैसा असर करेगा, तो कोरोड कर देगा, ब्लिस्टर फॉर्म करेगा, ब्लिस्टर मतलब फफोला हो जाएगा अगर हम लोग स्किन में गिर जाएगा, एसिडी है भैया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब यहाँ पे देखो व्हाट इज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तो यहाँ पे HCl और H2O दोनों मिला हुआ है इसमें पानी में, जब इसका मिक्सचर बना रहे सॉल्यूशन में HCl और H2 क्या है दोनों मिला हुआ है, तो व्हाट इज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर वो सुनो, ऑन बॉइलिंग द मिक्सचर इवॉल्व आउट द वेपर्स ऑफ बोथ एसिड एंड वाटर इन सेम प्रोपोर्शन एज इन द लिक्विड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जब हम इसको बॉइल करेंगे तो जितना HCl निकल रहा है उतना ही क्या निकलेगा H2O निकलेगा, सेम प्रोपोर्शन में क्या होगा निकलेगा, मतलब मान ले अगर ये x निकल रहा है तो ये भी कितना निकलेगा x, तो जब ये ऐसा टेम्परेचर जिसपे ये सेम प्रोपोर्शन पे निकलता है उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बुलाते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसका डेफिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा अच्छा सा दिया है लेकिन हम तुमको बता देते हैं, अगर तुमको क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा बताओ व्हाट इज द कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ HCl, तो ये याद रखना है 109.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होता है, जैसे एसिड का अलग अलग होता है, जैसे तुम्हारा 109.8 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे HCl का, एक बार क्वेश्चन आया था नाइट्रिक एसिड का बताओ ऐसा किसका जिसका 121 डिग्री सेल्सियस होता है, तो शायद नाइट्रिक एसिड का होता है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, डेफिनेशन लिखो, तो इसमें नहीं नेक्स्ट चैप्टर में, अभी मेरे पास बुक है नहीं इसलिए हम तुमको बता नहीं सकते, नेक्स्ट चैप्टर खोलना तुमको दिख जाएगा उसमें बहुत अच्छे से डेफिनेशन दिया हुआ है, लिखना यही है इसी का, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को एक और नाम दिया हुआ है कॉन्साइज बुक में, क्या नाम दिए तुम लोग यहीं पे लिख लो एजिट्रोप, यहीं पे लिख लो, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को क्या नाम से और जाना जाता है एजिट्रोप नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना भूलना मत, अगर एजिट्रोप पूछे या कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर पूछे दोनों सेम ही चीज है। क्या बताया यहाँ पे, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो होता है ऑन बॉइलिंग इवॉल्व आउट द वेपर्स ऑफ बोथ एसिड एंड वाटर इन सेम प्रोपोर्शन एज इन द लिक्विड, यहाँ तक इसका डेफिनेशन है ये याद रखना है। Hence, dilute HCl cannot be concentrated beyond a certain concentration by distilling or boiling. एक चीज यहाँ पे और बताया कि किसी का concentration बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे उसको distillation कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं boiling कर सकते हैं, ठीक है, ये आएगा भी बाद में, इसमें भी और डिटेल में पढ़ना है, बस यहाँ पे अभी तुमको जो याद करना है वो है constant boiling mixture का definition और HCl का constant boiling mixture कितना होता है, तो हम बताएं तुमको HCl का constant boiling mixture क्या होता है 109.8। What is constant boiling mixture? On boiling, the mixture evolves out the vapors of both acid and the water in same proportion as in the liquid. This is called constant boiling mixture. So HCl का constant boiling mixture कितना पे बना? 109.8 degree Celsius. इसके बाद आता है reactions. Reaction के पहले ये question है जो बहुत 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 important है और ये question तुमको exam में आ रहा है, तुम लोग यहाँ पे RSN लिख लो, ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं नीचे वाला पे थोड़ा सा ये वाले पे, ये वाला जो है ये तुम्हारे को एक्सरसाइज में भी तुम्हारे क्वेश्चन दिया हुआ है सबके बुक में और ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है, ठीक है, एक मार्क्स का ही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे ये क्या बताया, सबसे पहला चीज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं HCl एसिडी की नेचर है क्यों, तो सिंपल सा बात है भैया, व्हेन HCl डिसोसिएट इट गिव्स H+ आयन, तुम लोग सब पढ़ा है यहाँ पे एसिड बेसिस सॉल्ट में जो H+ आयन निकालता है उसको क्या कहते हैं हम लोग एसिडिक कहते हैं, और दूसरा चीज कैसा एसिडिक है ये मोनोबेसिक है, इसका बेसिसिटी कितना हो गया भैया मोनोबेसिक है, व्हाई इट इज मोनोबेसिक बिकॉज इट गिव्स वन H+ आयन, जो एक H+ आयन देता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं मोनोबेसिक बुलाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना सब बच्चा। एसिडिक नेचर, तो चलो देखो क्या बताता है एसिडिक, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन HCl इम्पार्ट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो तेरे को बता ही चुके, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तुमसे क्या, यहाँ भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन छुपा हुआ है,
कि HCl जो है एसिडिक इन नेचर है, तो तुमको बस इतना सा लिखना है कि व्हेन HCl डिसोसिएट इट गिव्स वन H प्लस आयन विच ऑन एडिंग विथ वाटर बिकम्स हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, वो एक H प्लस आयन देता है जिसके कारण से ही उसका क्या होता है एसिडिक नेचर होता है, बस इतना सा। दूसरा क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर एंड अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या लिया टोलुइन लिया, ये ध्यान रखना। लिखता है यहाँ पे क्या ध्यान से सुनो, जब भैया HCl को पानी में मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो जब हम लोग HCl को पानी में मिलाए और हम लोग जब HCl को क्या चीज में मिला रहे टोलुइन में मिला रहे, तो ध्यान से सुनो क्या दो बात बताता है यहाँ पे भैया क्या हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ये क्या चीज की तरह काम करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन इसके साथ ये क्या चीज की तरह काम करता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तुम लोग को पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अगर नहीं पता है तो तुम लोग को इस साल पढ़ना भी है, पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर है तुम लोग का केमिस्ट्री में, बात सबसे लास्ट में वो आता है सारे स्कूल्स में, अभी हम तुमको ये बता रहे लेकिन बता देते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पढ़ा हुआ है तुम लोग का, तुम लोग H2O को तोड़ना जानता है, अगर मान लो हम ऐसे H2O को तोड़ते हैं इसमें दो नेकेड वायर डालते हैं तो ये जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ऐसे करके मान लेते हैं नेकेड वायर डाल दिए, क्या डाल दिए नेकेड वायर डाले और भैया इसमें ऐसे करके दो टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बुलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसका डेफिनेशन बताते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज एन एक्वस और मोल्टेन सॉल्यूशन विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो भैया यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि जब हम HCl को, तो यहाँ पे भी तुम लोग क्या मिलाया था डाइल्यूट H2SO4 मिलाया था, बोला था प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं करता, उसमें फ्री आयंस नहीं रहता, तो यहाँ का भी आंसर वही है। यहाँ पे भैया देखिए तार कनेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, कारण क्या है क्योंकि यहाँ पे आयंस रहता है, यहाँ पे क्या रहता है आयंस, अगर हम यहाँ बल्ब जल लगाते तो ये बल्ब यहाँ पे जलता, बल्ब जो है यहाँ पे ये ग्लो करता, बल्ब ग्लो क्यों करता क्योंकि भैया यहाँ पे आयंस फ्लो किया है, कौन फ्लो किया है आयंस फ्लो किया है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये आयंस में टूट जाता है। तो वही चीज हम तुमको बता रहे हैं क्या कि जब हम लोग HCl को पानी में मिलाते हैं, HCl को किस में मिलाते हैं पानी में H2O में, तो वो क्या चीज में टूट जाता है वो आयंस में टूट जाता है, इसीलिए वो क्या चीज की तरह बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब HCl को टोलुइन में मिलाते हैं तो वो आयंस में नहीं टूटता है, इस कारण से वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसका पूरा आंसर चलो देखते हैं क्या लिखता है, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर, वाटर बीइंग ए पोलर सॉल्वेंट, दूसरा बात है पानी कैसा होता है पोलर सॉल्वेंट, भैया पोलर सॉल्वेंट भैया, हाँ बोल, ये वाला टॉपिक हम लोग के बुक में कहाँ पे है, है ठीक है, अब हम पेज तो तुमको नहीं बता सकते लेकिन कॉन्साइज में भी दिया हुआ है, पर हम पूरा खोज रहे मिल तो रहा नहीं है हमको, ठीक है तो पढ़ लो है तुम्हारे बुक में इतना मान लो, ठीक है, और ये आएगा क्वेश्चन, वाटर बीइंग ए पोलर सॉल्वेंट, सुनना ध्यान से, पानी भैया क्या होता है पोलर सॉल्वेंट होता है, तुम लोग जानता है पानी का एक प्रॉपर्टी है वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का एक रीजन ये है कि पानी जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कैसा बॉन्ड बनाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब थोड़ा सा हम पोलर कोवेलेंट के बारे में बता देते, ये भी तुम लोग को इस साल था, हाँ क्या है मतलब हम अभी बताए नहीं है तुम लोग को केमिकल बॉन्ड के बारे में, लेकिन बहुत बार बोल चुके हैं पोलर कोवेलेंट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कब नॉन मेटल के बीच में, और नॉन मेटल के बीच में जब चार्ज सेपरेशन रहेगा, तुम देखो यहाँ पे H2O में कैसा बॉन्ड रहता है हम तुम लोग को दिखा देते हैं, भैया H2O में जो बॉन्ड रहता है वो ऐसा होता है, देख OHH, भैया यहाँ पे इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अलग करके रखता है। अब जब हम इसको HCl में डालेंगे, HCl क्या चीज में टूट जाएगा, ये HCl का बॉन्ड को तोड़ देगा, HCl के बॉन्ड को क्या कर देगा तोड़ देगा, क्या चीज में H प्लस और Cl माइनस में, तो भैया H प्लस और Cl माइनस में जो तोड़ दिया तो H को कौन अट्रैक्ट करेगा, भैया H ये प्लस है तो प्लस वाले को माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, और Cl को कौन अट्रैक्ट करेगा प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो यही कारण बता रहा है पानी जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है जो कि HCl को तोड़ देता है क्या चीज में आयंस में, और यही आयंस के कारण से वो क्या कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर आयन है ठीक है तो वहां पे वो क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन टोलुइन के बारे में ये बताएगा टोलुइन नॉट बीइंग ए पोलर सॉल्वेंट, देखो साफ साफ लिखा हुआ है टोलुइन जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट नहीं है, तो नॉट बीइंग ए पोलर सॉल्वेंट डज नॉट डिसोसिएट HCl मॉलिक्यूल इनटू फ्री आयन, ठीक है, तो वो फ्री आयंस में नहीं तोड़ा, देयरफॉर इट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगा लेकिन
HCl जो है पानी में क्या बनाता है, पोलर कोवलेंट, पानी पोलर होता है तो आयंस में टूट जाता है, लेकिन तुम्हारा टोलमीन जो था वो पोलर सॉल्वेंट नहीं है, जिसके कारण से वो आयंस में उसको तोड़ नहीं पाया। किसको नहीं तोड़ पाया? HCl को नहीं तोड़ पाया। तो HCl को पानी में डालने से वो आयंस में टूट जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जब HCl को हम टोलवीन में डालेंगे तो वहां पे वो टोलवीन जो है नॉट बीइंग अ पोलर, तुमको ये सब वर्ड लिखना पड़ेगा, नॉट बीइंग अ टोलवीन, नॉट बीइंग अ पोलर सॉल्वेंट डज नॉट डिसोसिएट इटसेल्फ इनटू आयंस, खत्म। बस ये आंसर जो लिख देगा उसको फुल मार्क्स मिलेगा और कोई इधर उधर का कोई कहानी नहीं है। अब हम तुम लोग को ये हो गया एक क्वेश्चन और ऊपर हो गया दूसरा क्वेश्चन गिव रीजनिंग का, तुम लोग हेडिंग लगा के लिख देना RSN RSN। एक क्वेश्चन है HCl एसिडिक क्यों है, दूसरा क्वेश्चन है कि इन टोलवीन इट एक्ट एज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन वाटर इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, व्हाई। तो तुमको इसका रीजन हम बता चुके हैं, तुम लोग एक्सरसाइज में देखना, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है तुम लोग के। अब भैया यहाँ पे आता है आपका कुछ रिएक्शंस, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्शंस है। तो हम तुमको सिंपल सा इसका जनरल फॉर्म बता रहे, ठीक है, रटता जो है रिएक्शन वो चीज नहीं है यहाँ पे, एसिड प्लस एक्टिव मेटल। तो भैया आप एक बात बताइए, ZN और HCl का रिएक्शन तुम लोग पहली बार कर रहा है क्या? नहीं भैया, ये इसको लात मार देगा, क्यों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और खुद इसका जगह ले लेगा, ZnCl2 प्लस क्या हो जाएगा, H2। तो ये वाला रिएक्शन तुम लोग को आना चाहिए कि जब भी एक्टिव मेटल लेंगे। अब यहाँ देखो, हम तुमको बताएं ये चीज कि मेटल का क्लोराइड, मेटल का सल्फेट, मेटल का नाइट्रेट, मेटल का कार्बोनेट, सबका सब क्या होता है, सॉल्ट होता है। वही चीज ZnCl2 क्या बना भैया, सॉल्ट बना, और कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन निकला। तो वही चीज पहला वाला है, तो ये जनरल फॉर्म बना दिया कि कोई भी एक्टिव मेटल लेंगे, एक्टिव मेटल में कौन कौन आता है भैया, के Na, काना का मग ऐसे याद किया था ना, Al, Zn, Fe, ये सारा एक्टिव मेटल्स है। नीचे जाते रिएक्टिविटी क्या होते जाता है, घटते जाता है, ठीक है भैया, एक हो गया। दूसरा रिएक्शन का फॉर्म देखते हैं, जनरल फॉर्म, एसिड और बेस मिलाएंगे तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा भैया। तो देख कुछ नहीं है, रिएक्शन तुम लोग ही बना लेगा अपने से। तो भैया एसिड बताइए मेरे को कोई सा, HCl दे दिए, और बेस बताइए कॉपर ऑक्साइड। अब हम बता रखे हैं बेस को कैसे पता करोगे, तो बेस हमेशा ऑक्साइड या क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तुम लोग भूल गया होगा पूरा चैप्टर, हमको पूरा विश्वास है तुम लोग में, अगला टेस्ट जो होगा वो एसिड बेसिस सॉल्ट का होगा, और हम तुम लोग को देंगे न्यूमेरिकल इंपेरिकल फॉर्मूला का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा भैया, सॉल्ट बनाएगा। तो सॉल्ट क्या चीज होता है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, तो कॉपर का मेटल का क्लोराइड बनाइए, तो भैया CuCl2 हो जाएगा, ठीक है, सबको वैलेंसी पता है, कॉपर का 2+, क्लोरीन का 1-, ये इधर कॉपर क्लोराइड। और बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर देगा, तो वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O। जो भी लिख रहा है मत लिखो बीच पीछे से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuCl2+H2O। देखो ये रिएक्शन हो गया। फिर आता है भैया एसिड और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। आज फिर से बता रहे हैं, कोई भी कार्बोनेट होगा तो वो दो चीज निकालेगा, कार्बोनेट जो है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और बाइकार्बोनेट जो है वो तुम्हारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकालेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, CO2 और H2O, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा तुम लोग। कार्बोनेट कौन सा गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज सब बच्चा ध्यान रखेगा। तो एसिड और जब भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट वाटर, और कौन सा गैस दे रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। फिर उसी तरह जब सल्फाइट होगा या बाइसल्फाइट होगा तो कौन सा गैस निकालेगा, SO2 निकालेगा, कौन सा गैस निकालेगा, SO2। हम दोनों का टेस्ट बताएंगे अभी। अच्छा, और एक हो गया सल्फाइड, भैया सल्फाइड क्या होता है, H2S जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, सल्फाइड आयन लेते हैं, ठीक है, क्या ले लिया, सल्फाइड आयन। तो इसका रिएक्शन जरा देखो तुम लोग यहाँ पे, ये रिएक्शन सभी हम लोग करते, ये क्या कर रहे हो तुम लोग बीच में, कौन कर रहा है ये, अब अगर किया तो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, और आगे कंटिन्यू नहीं करने देंगे कोई क्लास भी। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, मेटेलिक सल्फाइड यहाँ पे क्या बता रहा है, HCl के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो यहाँ पे क्या दे देगा भैया, ये देखिए सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, और कौन सा गैस दे रहा है, SO2। तो हम तुमको सारा यहाँ पे गैस का ऑर्डर बता देते हैं कि कैसे उसको पहचानोगे, व्हाट इज द केमिकल टेस्ट फॉर रिएक्शन। तुम लोग सबको पता है लाइम वाटर में मिल्की कौन चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक और बात सुनो, सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर में मिल्की में चेंज होता है, और उससे ज्यादा गाढ़ा रहता है, टर्जिड रहता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का और कोई टेस्ट बताओ भैया, सल्फर डाइऑक्साइड का ये टेस्ट है कि वो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ऑरेंज से किस कलर में चेंज करता है, ग्रीन में चेंज करता है, ध्यान रखना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ऑरेंज से किस कलर में चेंज करता है, ग्रीन कलर में, कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। और तुम लोग सबको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या ऑर्डर होता है, पंजेंट ऑर्डर होता है, सड़ा हुआ, फॉल ऑर्डर, ठीक है, मतलब वहां पे पंजेंट ऑर्डर होता है, ये तुम लोग को सबको पता है, ये पढ़ा हुआ है तुम लोग को, तो ये चीज ध्यान रखना, ये सारा इसका टेस्ट बता दिया।
अब इसके बाद आता है तुम्हारा क्या, मेटेलिक सल्फाइड का भी बता दिए, सिल्वर नाइट्रेट, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे देखो, AgNO3 प्लस भैया HCl, भैया दोनों अपना पार्टनर चेंज कर लेगा, Ag चला जाएगा Cl के साथ और HNO3 बना लेगा, एरो देके तुम लोग भी कर लो कि रिएक्शन याद करने में दिक्कत ना हो, सिंपल सा है। और AgCl भैया प्रेसिपिटेट बनाता है किस कलर का, व्हाइट। ये क्वेश्चन आ सकता है तुमको ये सब में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व में, क्या चीज में आ सकता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व में, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन तुम अगर पेपर निकालोगे। लेड नाइट्रेट वाला देखो, PbNO3 और सोडियम थायोसल्फेट जो नीचे है, ये थायोसल्फेट अगर पेपर निकालोगे एग्जाम में देखोगे हर साल आया है, हर साल, बोर्ड ईयर, बोर्ड का नहीं बोल रहे हैं, स्कूल एग्जामिनेशन में बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे एक येलो पार्टिकल निकल रहा है, आता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व में, जब सोडियम थायोसल्फेट दैट इज Na2H2O3 को रिएक्ट करेंगे हम HCl के साथ तो क्या देगा, सॉल्ट देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा, सल्फर सॉलिड देगा, इसका कलर येलो रहता है ये ध्यान रखना, और वाटर देगा। ये रिएक्शन हर साल आया है, ये ध्यान रखेगा तुम लोग सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, PbCl2 का एक और चीज बताया है, लेड क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच इज सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, मतलब भैया कोल्ड वाटर में वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन हॉट वाटर में वो क्या है, सॉल्यूबल है, हॉट वाटर में वो क्या है, सॉल्यूबल। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को, ये सब आता है, व्हाट डू यू नेम दी फॉलोइंग में, एक ऐसा प्रेसिपिटेट का नाम बताओ जो कि गर्म पानी में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, और ठंडे पानी में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, तो क्या लिखोगे आंसर, लेड क्लोराइड लिखोगे। तो ये सबसे क्वेश्चन घुसा के दे देता है एग्जाम में, नेम दी फॉलोइंग में, तो ध्यान रखना है ये सबका, व्हाट डू यू ऑब्जर्व में क्वेश्चन आ सकता है, देखो कलर चेंज दिया हुआ है कॉपर सल्फाइड का, तो ये सब चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। आज के आज ये वाला टेबल याद हो जाना चाहिए सबको, कुछ नहीं है, ये रिएक्शन में तो तुमको पैटर्न दिख रहा होगा, ये पूरे रिएक्शन में हम पैटर्न दिखाए कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सॉल्ट देगा ही देगा भैया, सल्फाइड बाई सल्फाइड में भी सेम कहानी है, सल्फर डाइऑक्साइड देगा, सल्फाइड में भैया बताए H2S देता है और यहाँ पे सॉल्ट बनाएगा, नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट दोनों में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है 8 और 9 में, 10th वाला थोड़ा अलग है, ये याद करना पड़ेगा, तो ये इसीलिए बोल रही है आता है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 को जब HCl के साथ रिएक्ट कराए तो क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है और यहाँ पे एक येलो सॉलिड बनता है जिसका नाम क्या है, सल्फर है, और क्या बना, वाटर बना। तो यहाँ पे किसी को कोई रिएक्शन में दिक्कत है तो बोलो, ये रिएक्शन सबके बुक में है, सबको यहाँ पे ये भी बता दिए, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, लाइम वाटर को किसमें चेंज कर देता है, मिल्की में चेंज कर देता है, ठीक है, मिल्की, मिल्कीनेस को, और अगर ये डिसअपीयर भी कर सकते हैं और अगर लाइम वाटर डाल देंगे। दूसरा चीज है भैया यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट बताया आप, ये ऑरेंज से किसमें चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में, कौन सा पेपर यूज करने पे, K2Cr2O7 एसिडिफाइड होना चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर। और भैया H2S का आप क्या बताए, H2S में बताया पंजेंट ऑर्डर होता है, फॉल ऑर्डर, ठीक है, सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल करता है। अब वीडियो बंद होगा, वापस चालू करेंगे, उसके बाद तुमको एक टॉपिक बताएंगे रिएक्शन वाला, और एक बचा हुआ है, और इससे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है कि HCl एक्ट एज अ यहाँ पे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है, तो वापिस से कनेक्ट करना, उसके बाद ये चीज बताएंगे, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और स्कूल के एग्जाम में भी रहेगा, हर साल इससे क्वेश्चन आया है, इस साल का भी पेपर देखोगे उसमें भी पेपर में क्वेश्चन था ये वाला। ओके, सब ज्वाइन कर लेना, अभी 25 बच्चा है, ठीक है, मतलब 24 है मेरे को छोड़ के, तब 23 हो गया। यहां देख, मेटल का क्या बता रहे थे, मेटल का क्या ले ले, मेटल का क्लोराइड ले ले Cl माइनस चार्ज, मेटल का क्या ले ले, सल्फेट ले ले, सल्फेट SO4 2 माइनस, मेटल का नाइट्रेट ले ले NO3 1 माइनस, मेटल का कार्बोनेट ले ले CrBonate, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। ये सारा का सारा जो होता है ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 सॉल्ट है, MgSO4 सॉल्ट है, MgNO3 सॉल्ट है, होल टू हो जाएगा, और MgCO3 ये भी भैया क्या है, सॉल्ट। तो ये चीज ध्यान रखना है तुमको, ये सॉल्ट होता है, ठीक है भैया, तो मेटल का ये सॉल्ट आप बनाए। अब इसी को बताने का कारण है, यहाँ पे भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। चल, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज मैंगनीज डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, रेड लेड, पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे इनका नाम दिया हुआ है,
हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे वाले रिएक्शन से, ठीक है, कि जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो क्या देता है, सॉल्ट वाटर क्लोरीन। पहले प्रोडक्ट ये याद कर ले क्या दे रहा है, सॉल्ट वाटर और क्लोरीन गैस देगा। एक और चीज बता देते तुम लोग को क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन इज ए ग्रीनिश येलो गैस। जिसको नहीं पता है वो ये चीज को नोट कर लो कि क्लोरीन जो होता है यहाँ पे, ये जो क्लोरीन दिया है, क्लोरीन के बारे में ये चीज ध्यान देना कि क्लोरीन जो होता है वो कैसा गैस होता है, ग्रीनिश येलो गैस होता है। ये कैसा गैस होता है, ग्रीनिश येलो गैस। तो यहाँ पे जो ये आपका क्लोरीन निकल रहा है ये कैसा गैस हो गया, ग्रीनिश येलो गैस। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सारा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये जो ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे HCl का ऑक्सीडेशन होने वाला है, चलो देखो, और प्रोडक्ट में हमेशा क्या बनने वाला है, सॉल्ट वाटर और क्लोरीन। तो भैया यहाँ पे आप रिएक्शन लिखिए, ठीक है, ले लिख देते हैं। रिएक्शन में सबसे पहला आया MnO2। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम तुमको बताते हैं कैसे करना है, और HCl रिएक्ट किए तो हम तुमको अब सिखा रहे हैं प्रोडक्ट के लिए। भैया सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट। तो मेटल कौन है इसमें, सिर्फ Mn है, कौन मेटल है, Mn। मेटल का क्या बोले थे, क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ही है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड होता तो SO4 निकलता, नाइट्रिक एसिड होता तो NO निकलता। तो भैया यहाँ पे Cl ही दिख रहा है, तो मैग्नीज का वैलेंसी होता है 2+ और क्लोराइड का वैलेंसी होता है 1-। ये इधर क्या बन गया, MnCl2, ले लिख दिए। फिर भैया वाटर बनेगा, ले वो भी लिख दिए, H2O, और कौन सा गैस निकलेगा, क्लोरीन। क्लोरीन Cl नहीं होता है, Cl2 होता है, तो क्लोरीन के लिए हम लोग क्या लिख दिए, Cl2 लिख दिए। अब इसके बाद जरा सा ध्यान दे नंबरिंग, बैलेंसिंग कैसे करें। तो बैलेंसिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है इसमें, क्या वो देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं Mn2+, जो अभी लिखा रहे वो नोट करना अपने बुक में, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे, दिक्कत करेगा। यहाँ पे सबसे पहले एक एरो देना, पेंसिल से करना तुम लोग ये सब काम। यहाँ पे सबसे पहले एक एरो देना, ये जितना भी है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 जो था ये कितना था, 2 MnO2। सबसे पहला काम देखो यहाँ पे, ये जो है MnO2 है, ठीक है, MnO2, ये जितना 2 है, जितना भी नंबर हो उसका यहाँ पे क्या कर देना, 2 टाइम्स कर देना, इसका यहाँ पे क्या कर देना, 2 टाइम्स। तो 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। भैया यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे, यहाँ पे क्या डाल देंगे, 4। अब यहाँ का हाइड्रोजन और प्रोडक्ट का हाइड्रोजन जो होगा डिवाइड हो जाएगा, जितना भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे वहां 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिवाइड प्रोडक्ट के साइड में। तो तुम देखो यहाँ पे, यहाँ एरो दिखाओ, ये हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन जो है इसमें क्या हो जाता है, डिवाइड बाई 2 हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, डिवाइड बाई 2। तो 4 HCl जो था वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा भैया डिवाइड बाई 2 करेंगे। भैया नहीं समझ में आ रहा है, देखो जनरल इक्वेशन इसका यहाँ पे ये बताया कि मेटल के साथ HCl रिएक्ट करता है और क्या देता है, सॉल्ट देता है, वाटर देता है और क्लोरीन देता है। ये चीज तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम तुमको क्या ले रहे हैं, लेने बोल रहे हैं मेटल में, कौन सा मेटल लेने बोले थे, मतलब मेटल का जो भी है कंपाउंड MnCl2, ठीक है, क्या लेने, या मेटल नहीं मतलब मेटल का कंपाउंड है MnCl2 लिए, क्या लिए, सॉरी MnCl2 नहीं लिए थे, क्या था बताओ तो जरा सा, MnO2 था, मैंगनीज डाइऑक्साइड था। तो भैया यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, MnO2 ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं हम, MnO2। तो MnO2 लिए प्लस HCl लिए, ठीक है, हम बोले सॉल्ट बनेगा, मैंगनीज मेटल है और क्लोरीन यहाँ पे तुम्हारा इसका क्लोराइड है, तो MnCl2 बन गया, और भैया क्या निकल जाएगा, H2O और Cl2। पहले तो हम यहाँ पे ये लिख लिए, जो प्रोडक्ट होगा होगा। अब भैया बैलेंसिंग करना है, क्योंकि यहाँ समझी तुम, भैया अब बैलेंसिंग का बात है, बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल सा है नंबर, इसको बैलेंस कर सकती हो जो करना चाहती हो तुम लोग, जैसे करती हो हिट एंड ट्रायल से। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या बता रहे, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के आगे कितना नंबर आएगा वो ही बता रहे, तो जो भी यहाँ नंबर रहता है उसका 2 टाइम्स कर देना, उसका क्या कर देना, 2। यहाँ पे MnO2 2 था, तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4 बैठा देना, यहाँ पे कितना बैठा देना, 4, तो हम 4 बैठा दिए भैया, 4 HCl आ गया, तो यहाँ पे इंटू 2 टाइम्स आ गया, इतना यहाँ पे क्या आ गया, इंटू 2 टाइम्स, तो 4 HCl आ गया। फिर भैया यहाँ पे आप जितना भी नंबर लाए हैं उसका यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट साइड का हाइड्रोजन में जाएंगे तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइड बाई क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। तो अगर हम यहाँ डिवाइड बाई 2 करते तो भैया यहाँ 4 था, 4 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 का आधा करने पे भैया 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 नंबर,
ठीक है, अब काउंट करो हाइड्रोजन को भैया, रिएक्टेंट साइड है हाइड्रोजन चार और प्रोडक्ट साइड भी टू टू जा कितना हो गया, फोर हो गया। मैंगनीज काउंट करो भैया दो, इधर भी दो। ऑक्सीजन काउंट करो भैया, इधर दो है और इधर भी क्या हो गया, दो हो गया, बहुत बढ़िया। भैया क्लोरीन काउंट कीजिए, यहाँ पे क्लोरीन जो है चार आ रहा है और यहाँ पे क्लोरीन दो ही है, इसको दो लगा दो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो खत्म कहानी। अगर तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे भैया क्लोरीन हम नहीं देखे थे भैया, यहाँ दो क्लोरीन है, वहां भी दो क्लोरीन है, तो दो नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिटा दो, इसका काम नहीं था, ठीक है, इसका काम नहीं रहा क्योंकि भैया वहां पे ऑलरेडी आपका आ चुका, तो तुम लोग समझ गया यही की हम। तो मेन चीज ये है इनटू टू और जो डिवाइड बाय टू कर रहे, ये चीज ध्यान रखना। मान लो अगर यहाँ चार होता, यहाँ चार होता तो यहाँ पे फोर टू जा क्या आ जाता, एट आ जाता, और इधर इधर डिवाइड करके रहते इधर कितना आ जाता, डिवाइड बाय टू कर देते तो कितना आ जाता, फोर आ जाता। और क्वेश्चन करते चलो, देखो मेरे को बताओ नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, पीबी थ्री ओ फोर PbO2। तो भैया वही टाइप हो गया, PbO2 को जब रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, ध्यान देना ये चीज को। तो भैया फिर से यहाँ पे देखिए, ये O2 है तो हाइड्रोजन के यहाँ पे पहले प्रोडक्ट बनाइए भैया, मेटल यहाँ पे है लेड, लेड ही मेटल है और क्लोरीन है, तो लेड का दो वैलेंसी होता है, टू होता है, थ्री फोर होता है, तो हम टू वाला ही लेंगे, लोअर बनता है हमेशा, लोअर क्लोराइड, तो PbCl2 बना लेगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, पहले तो PbCl2, फिर बोला था और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा H2O, और तीसरा चीज क्या बोला था, ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन निकलेगा, बना लिए। अब इसका आता है बात बैलेंस करने का, तो चलो बैलेंस करते हैं। तो भैया यहाँ दो है तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा, इंटू टू कर दिए इसका, और इधर क्या आ जाएगा, इस साइड डिवाइड बाई टू कर दीजिए, तो चार का आधा कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, ले सबमिट किया तुमसे, ठीक है। तो यही चीज है, तुम लोग अपने बुक में देख लो, वही सेम चीज किया है हम, तुमको प्रोडक्ट भी बनाना सिखाए कि सॉल्ट है तो क्या होगा, मेटल का क्लोराइड बनेगा, वाटर रहेगा और क्लोरीन। फिर तीसरा क्या है, चलो बताओ तीसरा क्या है, PbO4। देखो भैया PbO4 को हम HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है भैया करा देते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे ये कितना आ रहा है, चार आ रहा है, चार आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, फोर टू जाए एट आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो गया एट। रुकना अभी तुम लोग, भैया यहाँ पे PB मेटल है तो फिर से क्या बनेगा, PbCl2, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा H2O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोरीन। भैया यहाँ पे आठ किए तो यहाँ पे डिवाइड बाई टू भी कर दीजिए हाइड्रोजन को, तो डिवाइड बाई टू कर रहे तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, फोर आ जा रहा है, यहाँ पे कितना आ जा रहा है फोर, हम रेड कलर से कर देते तुमको कंफ्यूजन नहीं हो, इधर आठ आया इधर चार आया। अब नंबरिंग बैठाना स्टार्ट करो भैया, यहाँ पे लेड में तीन था, यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे एक ही है तो इसको तीन कर दे, इसको क्या कर दे तीन, इससे तुम्हारा और कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अब क्लोरीन काउंट करो कितना हुआ भैया, क्लोरीन थ्री टू जा यहाँ पे देखिए, थ्री टू जा कितना आ गया सिक्स आ गया, और प्लस टू कितना आ गया एट आ गया, और इधर भी क्लोरीन आपका कितना है एट, तो क्लोरीन भी एट हो गया, ऑक्सीजन चार है ऑक्सीजन चार हो गया, लेड तीन है लेड तीन हो गया, सब बैलेंस हो गया। तो देखो यही करना पड़ रहा है, तो कंफ्यूज मत करना, बहुत सिंपल चीज है और ये आएगा ही आएगा। इसके बाद देखो फिर याद भी नहीं कर रहे यहाँ, तो ये सिंपल सा तरीका तुमको दिखा रहे हैं, ऐसे करके बनता है। फिर बता क्या है, KMnO4 मत बोल, ठीक है यहाँ पे KMnO4 है, KMnO4 को रिएक्ट करा रहे क्या चीज के साथ, HCl के साथ। अब यहाँ पे तुमको एक चीज बताते, पहले बात बताओ कितना मेटल है, K भी मेटल है Mn भी मेटल है, तुम लोगों को पता ही है पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों मेटल है, तो दोनों का सॉल्ट बनेगा, दोनों का सॉल्ट, ठीक है। तो भैया K का क्या हो जाता है, K का क्लोरीन के साथ जुड़ेंगे, K प्लस Cl माइनस KCl बना लेंगे, मैग्नीशियम का 2 होता है वैलेंसी तो Mn 2 प्लस, और Cl का क्या होता है 1 माइनस, तो क्या बन जाएगा बताओ, MnCl2 बन जाएगा, हो गया भैया। फिर वाटर भी बनेगा और कौन सा गैस बनेगा, क्लोरीन गैस भी बनेगा। चलो पहले तो हम इतना सा चीज लिख दिए हैं, अब नंबरिंग बैठाना स्टार्ट करेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना जरा सा, KCl MnCl2 H2O और क्लोरीन बन गया। पहले तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स बना लिए, चलो बहुत बढ़िया। तो मेटल दो है तो दो सॉल्ट, ये भी ध्यान दो, दो मेटल था दो सॉल्ट। अब भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक चीज ध्यान देना, ये याद रखना कि दो मेटल था, कितना मेटल था KMnO4, दो मेटल था, तो इसलिए हम आगे में दो नंबर लगा रहे थे, कितना नंबर लगा रहे थे दो। अब एक चीज देखो यहाँ पे, इसमें एक चीज क्या है, फोर टू जा यहाँ पे कितना आ रहा है एट आ रहा है, फोर टू जा क्या आ रहा है एट, तो यहाँ पे भैया आपको क्या करना पड़ेगा,
इसके यहाँ पे आप सिखाए थे हम लोग को इनटू टू टाइम्स करने हैं, तो ये 4 2 8 आ रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कैसे आया वो देख बताए, यहाँ 4 था, इस बार हम 8 लेने नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसके आगे दो नंबर आया है, इसलिए 4 2 8 हो गया। तो अब इसका इंटू टू किए तो कितना आ गया 16 ला गया। अब फिर से इसको देखो, 16 को यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना नंबर आ गया 8 आ गया। अब इसके बाद बैलेंस करना बहुत ईजी हो जाता है, चलो स्टार्ट करते हैं। भैया पोटेशियम 2 है, यहाँ भी 2 बैठाओ, ठीक है। मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी 2 बैठाओ। अब गिनना स्टार्ट करो क्लोरीन को, किसको गिनना स्टार्ट करो क्लोरीन को। भैया क्लोरीन में कि पहला वाला में कुछ नहीं कर सकते, येलो वाला जो जो कर रहे इसमें और इसको हम नहीं छेड़ सकते। कारण क्या है कि मेरा पोटेशियम और मैग्नीशियम सेटिस्फाई हो रखा है, एटोमिसिटी सेम कर दिए दोनों तरफ, यहाँ पे इसको कुछ मत करो क्योंकि दोनों तरफ के और एम एन बराबर कर दिए। यहाँ पे फिर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी बात करते तो वो भी बराबर हो गया। बता क्लोरीन, तो क्लोरीन को चेंज कर सकते क्योंकि मेरे पास लास्ट में क्लोरीन का ऑप्शन है। अब गिनना स्टार्ट करो, तो भैया क्लोरीन कितना है, पहले में क्लोरीन आया इधर 2, फिर इधर आया भैया 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना आया 4, फिर आया भैया यहाँ पे 4 2 कितना हो गया 6, बचा कितना 6. तरफ इधर है 16, इधर हो चुका है 6, मतलब हमको 10 क्लोरीन और चाहिए, तो यहाँ पे 10 के लिए यहाँ 5 लगा दिए, 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया। देखो तुम लोग का नंबरिंग सेम हो गया होगा, बुक से मैच कर गया होगा। तो यही चीज है, ये सब आता है, तुमको बोलेगा तुमको कैसे बैलेंसिंग सिखाए, ये देख लो। बहुत सिंपल था, इसके आगे दो नंबर बैठा दिए, भैया बोले थे इसको इनटू टू टाइम्स कर देना, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 हो गया यहाँ पे, 8 2 जा यहाँ पे क्या कर दिए 16 कर दिए, फिर इस तरफ इसका आधा कर देना है। आधा जैसे करेंगे आपको फिर बस नंबर काउंट कीजिए सारा मेटल का, वो बराबर हो जाएगा, लास्ट में क्लोरीन को बैलेंस कर देना। एक और है, और क्या बता, CaOCl2 भैया हम लोग के बुक में K2Cr2O7, तुम लोग के बुक में K2Cr2O7 है। हाँ अर्चित बोलो क्या हुआ अर्चित, भैया गलती से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो K2Cr2O7 भैया फिर से दो मेटल है, पोटेशियम है और क्रोमियम है, तो पहले आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनता है। और HCl है तो K+Cl हो जाएगा पोटेशियम का, ये प्लस ये माइनस, ये इधर KCl हो जाएगा, और दूसरा क्या है क्रोमियम। भैया क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है, बता देते तुम लोग को, ये इधर CrCl3, तो दो प्रोडक्ट समझ ले, KCl और क्या हो गया CrCl3, दोनों मेटल का बना दिए। तो देख लो यहाँ पे KCl और CrCl3 भी है, H2 और क्लोरीन निकलेगा। अब भैया यहाँ पे देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 7 था तो इंटू 2 किए कितना हो गया 14 हो गया, इंटू 2 किए क्या हो गया 14। अब ये 14 का इधर क्या कर देंगे आधा कर देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे देख ले तुम लोग, तो 14 का आधा कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ पे देख लीजिए कितना आ गया 7, बाद बाकी रहा तुमको काउंट करना। भैया यहाँ पे पोटेशियम 2 था, यहाँ भी 2 लगा दिए, यहाँ पे क्रोमियम 2 था, नहीं क्रोमियम भी 2 है, हाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 लगा दिए। अब क्लोरीन काउंट करना है, 14 क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन हो गया 2, और यहाँ पे 3 3 2 6, यहाँ पे कितना हो गया 3 2 6 हो गया, और ये 8 आ चुका है, बचा तेरा कितना 14 है वहां पे, तुम्हारा बचा 6, तो लास्ट नंबर क्लोरीन में 3 बैठा देंगे 3Cl2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये पूर गया 14 क्लोरीन, हो गया बैलेंस। तो तुम लोग देख लो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यही चीज बताए कि खाली यहाँ पे क्या करना है इंटू 2 कर देना है, और इसके इधर क्या कर देना है डिवाइड बाई 2 कर देना है, डिवाइड बाई क्या कर देना है 2। खाली तुम्हारा के वाले में आगे 2 लगा है तो उस हिसाब से कर लेना, 4 2 जा 8 2 जा 16 कर लेना, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया पहले पढ़ा था लेकिन यहाँ से तुम्हारा एक्वारेजिया का क्वेश्चन हर साल रिपीट करने वाला है, एक स्कूल का एग्जाम बोर्ड का एग्जाम पूछेगा ही पूछेगा। हाइड्रोक्लोरिक पढ़ाएंगे तब आएगा, नाइट्रिक पढ़ाएंगे तब आएगा, तुम्हारा ये क्या नाम है एक और चैप्टर है मेटलर्जी तब आएगा, 3 जगह यहाँ पे एक्वारेजिया का नाम आया। एक्वारेजिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले डेफिनेशन सुनो इसका क्या होता है। एक्वारेजिया एक मिक्सचर है जिसमें 1 part ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 part ऑफ कंसेंट्रेटेड हाइड्रो। बहुत बार टीचर लोग मार्क्स काटा है क्योंकि कंसेंट्रेटेड वर्ड नहीं लिखा है, सर्वे सर तुम लोग का मार्क्स काट देंगे और सही भी है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड कैसा होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना। बहुत सारे बुक में लिखा रहेगा 3:1 का रेशियो रहता है, लेकिन बच्चा लोग भूल जाता है कि यहाँ पे 3:1 जो रेशियो है या 1:3 है किसका है, तो HCl जो होता है वो 3 part रहता है, नाइट्रिक एसिड जो रहता है वो 1 part रहता है,
लेकिन क्या कंसंट्रेटेड, ये चीज ध्यान रखना, थ्री पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड यहाँ पे क्या बता रहा है, थ्री पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वन पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये क्या बनाता है, एक्वा रेजिया बनाता है, क्या बनाता है, एक्वा रेजिया, इस चीज को ध्यान रखना। और वो क्या देता है भैया, एक्वा रेजिया का काम क्या है, तो ये मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जो कि तुम्हारा गोल्ड और प्लैटिनम को घुला लेता है, गोल्ड और प्लैटिनम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एयू पीटी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे एयू पीटी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्वा रेजिया के साथ, और वो उसमें डिजोल्व कर जाता है, इसीलिए एक्वा रेजिया का हम लोग यूज करते हैं। तो एक्वा रेजिया क्या हुआ, पहले डिफाइन करो, एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ वन पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड थ्री पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खत्म। क्या करता है, तो पहला बात इट डिजोल्व नोबल मेटल गोल्ड एंड प्लेटिनम, खत्म। फिर यहाँ पे इसका रिएक्शन बताओ, नाइट्रिक एसिड और HCl रिएक्ट किए तो क्या बनाया, NOCl बनाया, NOCl नया कंपाउंड है तुम लोग के लिए एकदम, नाइट्रोसिल क्लोराइड वाटर, और क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट क्लोरीन, यही नेसेंट क्लोरीन क्या करता है, AU और PT को डिजोल्व कर लेता है और क्या बना लेता है, AuCl3 PtCl4, तो ये चीज का ध्यान रखना तुम लोग, खत्म हो गया यहाँ पे। तो यही था तुम्हारा एक्वा रेजिया, और बस एक टॉपिक और है जहाँ पे तुम्हारा HCl चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन, ये सब पहले भी समरी है एक तरीके से, HCl का टेस्ट बता रहा है, तो पहले ही बता चुके हैं, NH3 के रॉड लाते हैं, तुमको बताए थे दोनों गैस है और व्हाइट कलर का डेंस ट्यूब्स देता है, ये बताए थे कि नहीं, ये इसका टेस्ट। दूसरा AgNO3 के साथ अगर HCl मिलाएंगे तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, एरो दे दो यहाँ पे, यहाँ पे एरो दे दो वापिस से, ये किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। फिर यहाँ पे एक और रिएक्शन देखो, जब भैया यही AgCl में हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक है, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व में, तो ये क्या बनाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है भैया, Ag एक कंपाउंड लिख रहे, सुनना नाम याद करवा रहे, NH3Cl, तुम लोग सब बच्चे यहाँ पे देख, ये NH3 को बुलाते हैं अमाइन, इसको क्या बुलाते हैं, अमाइन, कितना है ये, दो है, डाई अमाइन, क्या हो गया, डाई अमाइन, ये क्या है, सिल्वर, सिल्वर, और ये क्या है, क्लोरीन, तो क्लोराइड, इसका नाम क्या है, डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड। तो जब HCl को, जो HCl निकला उसको एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, वो क्या करता है, वो आपका भैया AgNH3 2Cl बनाता है, जो कि है डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे क्या दे दिया, वाटर दे दिया। तो बस यही चीज है कि ये जो AgCl था ये एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, डिजोल्व कर जाता है, क्या कर जाता है, सॉल्युबल। पहले यहाँ पे HCl क्या था, प्रेसिपिटेट बना रहा था, लेकिन जब हम एक्सेस में डाले ये प्रेसिपिटेट हट गया, ये सॉल्युबल हो गया, क्या बना लिया है कंपाउंड, डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड। फिर यहाँ पे बताइए ये रिएक्शन, यहाँ पे ये कौन सा गैस निकाल रहा है, ग्रीनिश येलो गैस, कि जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे ये क्या करेगा, ग्रीनिश येलो गैस रिएक्ट निकालेगा। तो दीज आर द टेस्ट ऑफ क्या चीज का, HCl का, ये अलग अलग टेस्ट है, ये याद रखना है। फिर ये कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लो, तो भैया एक्वा रेजिया तो तुमको बता ही दिया डिजोल्व करने में, यहाँ पे ये सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, ये आता है गिव रीजनिंग क्वेश्चन में, तुम लोग पढ़ा होगा गैल्वनाइजेशन, ठीक है, गैल्वनाइजेशन क्लास 8 में पढ़ा है कि जब हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो उस कोटिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, मेटल को पिकलिंग किया जाता है, पिकलिंग मतलब उसका सारा इम्प्यूरिटी को हटाया जाता है, कैसे हटाया जाता है, HCl में घुला के। तो यहाँ लिख रहा है HCl डिजोल्व द मेटेलिक ऑक्साइड, HCl जो है उसको क्या करता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वो जो भी इम्प्यूरिटीज है मेटेलिक ऑक्साइड है उसको अपने में क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, तुम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, ये चीज याद करो, स्किन जैक ऑफ ऑल ट्रेड में, कि अगर हम हड्डी में HCl डाल देते हैं, ठीक है, HCl अगर डालेंगे हड्डी इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो उसमें तुम गांठ बांध सकते हो, क्यों, क्योंकि हड्डी में क्या प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। तो लिखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजोल्व कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन बोन्स, तो ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि हड्डी में तुम गांठ बांध सकोगे, तो वही चीज हम तुमको बता रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो तीन यूज बताया है जिसमें से तुमको सेकंड वाले काम बता दिए, गिव रीजन में पूछेंगे कि बताओ जिंक में गैल्वनाइजेशन में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो मेटेलिक ऑक्साइड के कोटिंग को क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है, क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। खत्म हो गया, यहाँ पे तुम्हारा ये एक्सरसाइज है, तुम लोग अपने स्कूल के कॉपी में करो, कहीं भी करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना ये रिएक्शन आता है। इसको कभी भी कोई बच्चा पेन से मत भरना, बहुत दिक्कत होगा,